अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दौरे पर बोले विधायक रवि जोशी, तीखी बातों से किया काउंटर। आज सुबह से खरगोन जिले के दयालपुरा में बूथ विस्तारक अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने सुबह शहर से दयालपुरा की रवानगी ली, जहां वे बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत करेंगे, जिस पर कांग्रेस नेता एवं खरगोन विधायक रवि जोशी ने तीखे तंज कसते हुए कहा कि अब वे दयालपुर जाएं या घर जाकर दया मांगे, जनता को पता है क्या करना है। जिसमें उन्होंने 2018 की बात निकालते हुए बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री चौहान के समस्त क्षेत्रों के दौरा करने के बाद भी आसपास की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विधायक विराजमान हैं। आदि बातें विधायक जोशी द्वारा कही गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन जिले के प्रवास पर खरगोन विधानसभा के गोगांव ब्लॉक के दयालपुरा गांव में 10 घंटे रहेंगे, विस्तारक लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ऐसे ही 18 के पहले शिवराज सिंह खरगोन जिला के एक एक गांव एक एक विधानसभा में घूमे, 18 का रिजल्ट देखा कि 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। वीडी शर्मा जी के दयालपुरा रहने से कहीं नहीं होगा, दयालपुरा की और दयालपुरा के आसपास की जनता जानती है कि दयालपुरा का विकास 20 साल पहले जो कांग्रेस ने करा था वही है। 1 रुपये का विकास पिछली इनकी 17 साल की सरकार में 1 रुपये का दयालपुरा और गोगांव ब्लॉक में विकास नहीं हुआ। हमारी जिला पंचायत की सदस्य दीपिका दिनेश यादव ने कल ही जो भूमि पूजन करा है वो अपनी राशि से, जिला पंचायत की राशि से वहाँ के गड्ढे भरने का काम करा। दयालपुरा से वेदा नदी के ऊपर जो पीछे जो ब्रिज बना है उस ब्रिज को गड्ढे इतने थे, पिछले 15 साल में ब्रिज की इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि इनने गिट्टी तक नहीं डाली। मैंने पिछले वर्ष 5 लाख रुपए की राशि देके उस पुल की मरम्मत कराई जो 50 गांव को दयालपुरा से जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी दयालपुरा और गोगांव ब्लॉक में विकास के नाम पे 1 रुपया खर्च नहीं करी और न उन्होंने खरगोन ब्लॉक में कहीं करा, न खरगोन जिले में करा। बड़ी दुर्दशा है, जनता का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो गया। अब वीडी शर्मा दयालपुरा जाए कि दया के नाम से घर घर जाए, कहीं भी इनके लोगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट खरगोन।